हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ नेचर एसेंस के वाइटनिंग पर्ल फेशियल किट का रिव्यू प्लस डेमो शेयर करने जा रही हूं, जिसकी हेल्प से आप पार्लर जैसा वाइटनिंग ग्लो अपने फेस पे ला सकते हो बहुत ही इजी एंड सिंपल स्टेप्स के साथ। तो इस तरह से कुछ आपको कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट रिसीव होता है। कम से कम आप इसे 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो, इतनी क्वांटिटी आपको इसकी मिल जाती है। बैग में सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन करी हुई हैं कि कौन से स्टेप में आपको कितनी देर तक बने रहना है। उसके अलावा आपको इसका प्राइस मिल जाता है 260 रुपीज़, बट विथ डिस्काउंट कम में पड़ जाएगा। शेल्फ लाइफ आपको 3 ईयर की मिल जाती है और नेट वेट इसका 60 ग्राम प्लस 15 ml है। टोटल आपको ये 5 ट्यूब मिल जाती हैं, जिसमें फर्स्ट वन है प्रेप फेशियल और डीटेन थेरेपी है, ये क्लेंज मिल जाता है, एक्सफोलिएट, लाइटन एंड पॉलिश। टोटल ये 5 चीज़ें आपके फेस में बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं एंड सीरियसली आपकी स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करने में हेल्प करती हैं। साथ ही साथ जो शादी का माहौल चल रहा है उसमें आप घर पे ही इस प्रोडक्ट की हेल्प से अपने फेस पे ग्लो ला सकते हैं। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं प्री फेशियल प्रेप यानी डीटेन थेरेपी वाइप ऑफ मास्क से। तो इसे आपको अपने फेस पे 15 मिनट तक अप्लाई करके रखना है एंड उसके बाद आप किसी भी वेट वाइप से इसे रिमूव कर सकते हैं। ये आपकी स्किन में से जो भी डेड स्किन रहेगी, डलनेस रहेगी या फिर किसी तरह का कोई पॉल्यूशन की वजह से टैन आ गया होगा तो वो रिमूव कर देगा। उसे आपको इस तरह से गीले टॉवल से आप रिमूव कर सकते हो या वाइप से रिमूव कर सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद सेकंड स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो ये है वाइटनिंग पर्ल क्लेंज। तो इसे आपको 2 मिनट तक अपने फेस पे अच्छे से मसाज देते हुए अप्लाई करना है, ताकि जो भी आपके फेस पे डर्ट्स रहेगा और पॉल्यूशन की वजह से स्किन डल हो जाती है तो ऑल ओवर पूरा फेस आपका क्लीन कर देगा। एंड सीरियसली मुझे इसमें जो ये शाइनिंग आपको पॉली दिख रही है ना, ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है। एंड सारे ही प्रोडक्ट की जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड अमेजिंग स्मेल है। तो आप देख सकते हो इस तरह से अप्लाई करने के बाद आप चाहें तो वेट वाइप से इसे रिमूव कर सकते हैं। एंड मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये है वाइटनिंग पर्ल स्क्रब। इसे आपको एक फेस पैक की तरह लगभग 8 मिनट तक अप्लाई करके रखना है और उसके बाद आप जेंटल हैंड से, हल्के हल्के हाथ से यानी स्क्रब करते हुए उसके बाद फेस वॉश कर सकते हैं या अगेन वेट वाइप से इसे रिमूव कर सकते हैं। तो जो भी डेड स्किन सेल्स रहते हैं, ब्लैक हेड्स रहते हैं, वाइट हेड्स रहते हैं, वो बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है एंड स्किन को लाइटन करने में हेल्प करता है। थर्ड वन है ये वाइटनिंग पर्ल क्रीम। तो इसे ऑल ओवर फेस पे आपको कम से कम 10 मिनट तक मसाज देना है। तो क्वांटिटी आपको इसकी अच्छी खासी लेनी है और तब तक मसाज करना है जब तक ये जो भी क्रीम है वो आपकी स्किन में बहुत अच्छे से एंटर ना हो जाए। एज यू कैन सी, बहुत अच्छे से मसाज देने से आपकी स्किन ब्राइटन इफेक्ट लाएगी। और एक लास्ट है ये वाइटनिंग पर्ल ग्लो पैक। इसे आपको कम से कम 15 मिनट तक अप्लाई करके रहना है एंड उसके बाद आप फेस वॉश कर सकते हो एंड रेगुलर आपका जो स्किन केयर है उसे फॉलो कर सकते हो। एंड एज यू कैन सी, स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो एंड ब्राइटन लग रही है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको इसे एवरी 2 वीक यूज़ करना है तो आपको और भी ज़्यादा रिजल्ट्स शो होंगे एंड सीरियसली काफ़ी स्किन सॉफ्ट, शाइनी और स्मूथ फील हो रही है एंड काफ़ी अच्छा नेचुरल ग्लो मिल जाता है। तो डेफिनेटली ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। लव यू, टेक केयर एंड बाय गाइज़।